लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाइक ने आज बनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए विविध मुद्दों पर चर्चा करते हुए समाधान की मांग की। बैठक में लोक नेता गणेश नाइक ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अपने विधायक फंड से दी गई 1 करोड़ की निधि का 1 साल तक इस्तेमाल नहीं करने पर तीखी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कोरोना काल में आरोग्य इंतजाम एवं प्रभागों में किए गए विकास कार्यों पर कितना खर्च हुआ इसका हिसाब जाहिर करने की भी मांग की। मनपा के कुछ अधिकारियों की मनमानी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आयुक्त को प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने का भी सुझाव दिया। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, पूर्व विधायक संदीप नाइक, महापौर जयवंत सुतार, पूर्व मेयर सागर सोनावने और सुधाकर सोनावने, वरिष्ठ नेता आनंद सुतार एवं डॉक्टर जयाजी नाथ समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई के विविध नागरी समस्याओं को लेकर आज लोक नेता गणेश नाइक ने एनएमएमसी आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। चर्चा के दौरान गणेश नाइक ने कोरोना काल में विकास कार्यों और आरोग्य इंतजामों पर किए गए खर्च का ब्यौरा देने की मांग की। पूर्व मंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए खुद दी गई 1 करोड़ की विधायक निधि का 1 साल बाद भी इस्तेमाल नहीं करने पर तीखी नाराजगी जाहिर की और कितना काम हुआ इसका ब्यौरा मांगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, ऐसे में इंतजाम के अभाव में यदि किसी की जान जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने चेतावनी दी कि यदि आयुक्त ने ऑक्सीजन प्लांट और आरोग्य इंतजामों पर खर्च का पूरा ब्यौरा जल्द नहीं दिया तो अगली बार वे काला वस्त्र पहन कर आएंगे और अपना विरोध प्रकट करेंगे। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा। मैंने जो ऑक्सीजन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए आमदार फंड से दिया जाए, ये जो माननीय कलेक्टर महोदय को मैंने पत्र लिखा था उसकी कॉपी मैंने आयुक्त महोदय की दी थी। अभी इसको 1 साल बीत गया, मैंने उनसे पूछा वो टेंडर निकला तो किसने टेंडर लिया, कहाँ काम शुरू हुआ है, इसकी मुझे इंफॉर्मेशन अगले मीटिंग में चाहिए। नए अगले मीटिंग में मिली तो उसके अगले मीटिंग में मैं काला गणवेश पहन के आऊँगा। तीसरा चौथा भी लेयर दुनिया में शुरू हुआ है, कल जाके आया यार वो ऑक्सीजन प्लांट के वजह से वो देरी की वजह से कोई उसका असर हो गया तो जनता इनको माफ करने वाले नहीं और हम लोग इनके विरुद्ध में एजिटेशन करेंगे। बता दें कि विधायक गणेश नाइक की मनपायुक्त से यह 43वीं मुलाकात और चर्चा बैठक थी जिसमें उन्होंने अतिक्रमण कार्रवाई में हो रहे पक्षपात पर भी गंभीर सवाल उठाया। गणेश नाइक ने कहा कि कुछ अधिकारी गरीबों का घर तोड़ने में ज्यादा जल्दबाजी करते हैं लेकिन बड़ी इमारतों को लेकर खामोश रहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी मनमानी तत्काल बंद करने की चेतावनी दी। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने एपीएमसी मंडियों से चल रही ड्रग्स तस्करी पर भी गंभीर सवाल उठाया और कहा कि नवी मुंबई की मंडियों में हर दिन अनाज की बोरियों में भरकर नशे का कारोबार हो रहा है जो नवी मुंबई के लिए खतरनाक है। उन्होंने इसे तत्काल रोकने की जरूरत बताई और आयुक्त को जरूरी पहल करने का भी सुझाव दिया। मैंने आज बोला है कि कहीं बांधकामों पर कार्रवाई करने का आपसे या आपके एडिशनल आयुक्त से आदेश के लिए इंतजार लोग कर रहे हैं, उस पर उचित कार्रवाई करो। किसका मकान तोड़े, किसका दुकान तोड़े, ऐसा हमारा कहना नहीं है। सबको समाये हुए कानून के तौर पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसके लिए हमारा पक्का सपोर्ट रहेगा, लेकिन एक गरीब के झोपड़ी पे तुम्हारी कुलाड़ चलती है और कहीं जो शिकायत करने वाले के उनके 4-4 मंजिले की बिल्डिंग तुम्हें दिखती नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब के झोपड़ी को भी वही वैल्यू है, उसके लिए वो महल है और ऐसे चीज़ होती रहेगी तो हम वो बर्दाश्त करने वाले नहीं है, हम रास्ते पे उतर जाएंगे। एपीएमसी एशिया का सबसे बड़ा मंडी है, इतनी ये अभिमान की बात है। साथ ही साथ ये ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना हुआ है, विविध राज्यों से आने वाला जो भी जो अफीम चरस गांजा एपीएमसी के माध्यम से व्यापारी लोगों को मालूम भी नहीं है। वो ट्रक आती है, ट्रक में बोरियां भरती है, वो बोरियां जैसे एपीएमसी में जाती है वो बाजू में हटा के
टेम्पो में डाल के निकल जाते हैं, तो ये अपने लिए बहुत दुख भरी बात है, चिंताजनक बात है। उस पर निगरानी करने का काम अपना सबका है, आपका भी है और हमारा भी, और उस पर ये न होने के लिए अमल किया जाए, ऐसे हमारी मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।